मेघ इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों साथ में शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले जानते हैं अब तक की सुर्खी पर। भारत बंद का असर शहर में भी देखने को मिला। बंद के दौरान आदिवासी मूलवासी ने सड़क में उतर कर अपना नारेबाजी के साथ विरोध प्रकट किया। एसटीआरसी विरोध में शहर में लोगों बंद कराने सड़क पर उतरे तो वही प्लास बनी में बंद के दौरान बंद समर्थक ने एनएच में खड़ी ट्रक को आग के हवाले कर दिया। झाबुआ के केंद्र महासचिव ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव की बितरानी पार लगाने चाहते रघुवर दास। और गोविंदपुर में बढ़ते प्रदूषण सड़क मरम्मति को लेकर स्थानीय लोगों ने उपाधिकरण किया प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। भारत बंद का असर जमशेदपुर में देखने को मिला। आदिवासी समाज के युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि आदिवासी महासभा की युवक भालूबासे में अस्त्र शस्त्र लेकर निकले और पहले दुकान को बंद कराए, उसके बाद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। वे आक्रोशित युवकों ने राहगीरों को भी नहीं बख्शा, कई राहगीरों को लाठी और डंडे से पीट कर घायल कर दिया और दौड़ा दौड़ कर इन युवकों ने राहगीरों को पीटा। इधर यह सारा बवाल पुलिस के सामने होती रही और पुलिस मुख दर्शन बनकर देखते रहे। उधर बंद समर्थकों ने शहर में भी घूम घूम कर जबरन बाजार बंद करवाया। वैसे इस बंदी का असर मानगो बस स्टैंड, टाटा रेलवे स्टेशन और NH33 पर भी देखने को मिला। जब बंद समर्थकों ने टाटा रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया, वही NH33 के MGM थाना अंतर्गत बड़ा बाकी में खड़ी ट्रक में बंद समर्थकों ने आग लगा दी। वैसे पूरा शहर अस्त्र व्यस्त हो गया और बंदी सफल रहा। हम लोग पेपर के लिए लिख रहे हैं। मस्ती मस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्र सरकार हाय हाय सरकार चलते मैं अपना विश्वास रखते थे तमाम SC ST लोगों का अपना समर्थन दिए हैं। आज माता की हमारा जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट को जो छेड़छाड़ किया है उसमें बदलाव किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था और हमारे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं इस बंद को समर्थन दिए हैं और उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरे जमशेदपुर भ्रमण करते हुए तमाम लोगों से आग्रह किए कि आप अपना नैतिक समर्थन देते हुए अपनी संस्थानों को बंद रखें। और ये बंद ऐतिहासिक था, संपूर्ण सफल था। इससे हम तमाम जो भी लोग इसमें समर्थन दिए SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम लोगों के हृदय से धन्यवाद देते हैं। SC ST एक्ट में छेड़छाड़ के विरोध में भारत बंद को लेकर आज भीम सेना ने कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर में जगह जगह पर जमकर विरोध किया। बंद के समर्थकों ने सभी जगह जाकर सारी दुकानों जगहों पर सड़क वाहनों में तोड़फोड़ किया। कई जगह प्रशासन भीम सेना के साथ तूतू मैं भी देखने को मिला। यह सारी घटना जमशेदपुर के बिस्टुपुर थाना अंतर्गत की है। वही समर्थकों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही दलितों पर हो रहे अत्याचार पर हम लोग नहीं सहेंगे देखते को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। वही बंद का खासा असर जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। वही हजारों की संख्या में समर्थक बंद करने निकले थे लेकिन प्रशासन द्वारा काफी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंद के दौरान झारखंड के मुखिया रघुवर दास पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था, जहां लोगों का कहना है कि रघु सरकार खुद हरिजन होते हुए भी हरिजन पर अत्याचार होने दे रहे हैं, जिसके बाद सभी बंद समर्थक हजारों की संख्या मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। तभी भारी संख्या पुलिस बल के द्वारा बल प्रयोग कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसी के लिए आज हम लोग रोड पे उतर आए हैं सारे दलित लोगों पर। जो अधिकार है हमारा वो अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो 70 साल से जो भीमराव अंबेडकर जी को आज उन्होंने जो गाली दे रहे हैं, जिनको तमाचा दिया जा रहा है, हम ये दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे जितना जोर शोर हो। जो बीजेपी सरकार पे ये जो हाय हाय किए जा रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम लोग आज भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान को पूरे विश्व ने सराहा, मगर आज उस पर संशोधन किया जा रहा है। खास करके दलित समाज को पिछड़ा वर्ग समझकर संशोधन में काटा जा रहा है। इसीलिए आज हम बहिष्कार कर रहे हैं और हम उग्र रूप लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है वो हरजन है, कमर का बच्चा, मूर्ति का बच्चा, वो अपना धर्म को, अपना हरिजन को थोड़ा नीचे सोचता चला है। रघुवर दास क्या है, वो तो हरिजन है, और हरिजन का अत्याचार हो रहा है। वोट लेके जीता हुआ हरिजन मोती में, हरिजन का वोट से जीतता है, मुखी समाज को नीचे गिराता है और सिंह को आगे उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसटीएससी कानून में संशोधन किए जाने को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध किया और कोर्ट का जादूगढ़ सुंदरनगर जुगसलाई करंडी में बंद कराया। बंद का विरोध आदिवासी मूलवासी भी कर रहे थे और इनका विरोध था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसटीएससी कानून में संशोधन किया है, इसके विरोध में यह लोग सड़कों में उतरे और अपना विरोध किया। इस दौरान सड़क और ग्रामीण इलाकों में बंद का असर देखने को मिला। साथ ही सड़कों में बड़ी छोटी वाहन दौड़ते नजर आए। बंदी को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने सड़क पर दुकानें बंद करने के लिए उतरे और कई दुकानें को बंद कराए। वहीं पुलिस भी भारत बंद को लेकर काफी सतर्क रही और भारी संख्या में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती किया गया था। क्या मामला मैडम? ये जो सरकार ने अपनी मनमानी दिखा रही है, हमारी संविधान जो है इतनी वर्षों से चली आ रही, उस संविधान को उसने छेड़छाड़ किया। इसी वजह से हम लोग आदिवासी समुदाय के लोग काफी नाराज हैं उनसे, और हम लोग चाहते हैं कि वो विकास के धरोधर में उतरे और विकास के काम करना ही हम आदिवासियों के परंपरा को छेड़छाड़ करें, अन्यथा बहुत ही बुरा उनके साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो एसटीएससी का मतलब बोलिएगा कि हमारे विरोध में जो हमारा जो हथियार था कि एसटीएससी एट्रोसिटी एक्ट में पहले था कि गैर जमानती था, मतलब नॉन अवेलेबल केस था, लेकिन अब उसका निर्णय के अनुसार अब कोई भी हमारे साथ मतलब मिसबिहेव अगर करता है तो उसको कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगा। हम इसी के विरोध में आज ये बंद कराने निकले थे। संबंधित थाना क्षेत्र है परसुडी, बागबड़ा, जुगसलाई, सुंदरनगर में सभी जगहों पर जो है वो फोर्स की तैनाती की गई है, सभी चौक चौराहों पर, और सभी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है और आवागमन जारी है। भारत बंद का असर NS-33 पर देखने को मिला, जहां बंद समर्थकों ने एमचम थाना अंतर्गत NS-33 के बड़ा बाकी के समीप एक ट्रक में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना की खबर जैसे एमचम थाना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस और बंद समर्थकों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बंद समर्थक फरार हो चुके थे। उधर फायर की एक गाड़ी घटनास्थल पहुंची, तब तक पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। उधर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख्ता दावा फेल होता नजर आ रहा था। पुलिस के सामने बंद समर्थक तांडव करते रहे और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उन्हें गाड़ियों पर हमला बोला, ट्रक में आग लगा दी। इतना ही टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल किया। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति,
आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के ढाटकेदी हरिजन बस्ती में बंद समर्थक और पुलिस के बीच पथराव और लाठीचार्ज के बाद बंद समर्थकों द्वारा घंटों मुखमार्ग को बाधित कर दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। पिछड़ा जाति द्वारा आहूत भारत बंद के तहत ढाटकेदी मेडिकल बस्ती से सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष बंद कराने निकले थे। जिला पुलिस द्वारा बंद समर्थक आगे बढ़ने से रोका गया, जिसके बाद बंद समर्थक और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हो गई और पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए बंद समर्थक खदेड़ने की कोशिश की। इसके बाद बंद समर्थकों द्वारा पुलिस और पथराव भी किया गया। घटना से आक्रोशित बंद समर्थकों द्वारा कदम मुख्य मार्ग को बाधित कर घंटों बैठे रहे। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप बिरथरे के अलावा भारी संख्या पुलिस बल पहुंचकर बंद समर्थकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, मगर बंद समर्थक दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्यवाही करने की मांग पर डटे रहे। इस स्तंभ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते मेडिकल बस्ती के मुखिया सुरेश मुखी ने कहा कि आहूत भारत बंद करते हुए देखते हुए हम लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया जा रहा था, मगर पुलिस वालों के द्वारा जबरन लाठीचार्ज किया गया। इसमें हमारे समाज के जो लोग आंशिक रूप से जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हम लोग मुख्य मार्ग को बाधित किए हैं। वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप बिरथरे के अनुसार आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों के द्वारा अपना आंदोलन वापस लिया जा रहा है। हम लोगों के मुख्य समाज और प्रशासन के बीच तो हर बंदी में थोड़ा सा सुतु में कहीं से भी हो जाता है, ठीक है। हल्की हम लोगों के मुख्य समाज के बच्चे लोग को छोट आई है, ठीक है। तो हम थाना प्रभारी से बात किए, सीनियर के हिसाब से बात की, ठीक है। जिनको छोट आई है वो तो बोले कि हम लोग ट्रीटमेंट करा देंगे, ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गए हैं, और जिनके के पर लिख के देना है वो लिखी शिकायत दीजिए, हम लोग जाँच करेंगे। जाँच पर जो दोषी पाया जाएगा उसको हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान था, तो उसी क्रम में हम लोग पहले से 1 तारीख को एक मशाल जुलूस निकाले थे, पूरे भारत बंद का हम लोग जमशेदपुर बंद का आह्वान किए थे। उसी क्रम में आज पूरे साक्षी, कदमा, धतकड़ी, बिष्टुपुर सब जगह बंद पूरे शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्वच्छपूर्वक से सभी पुलिस। इस स्थान में घटनास्थल में मौजूद वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप बिरथरे ने कहा कि भारत बंद को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई थाना क्षेत्रों में बंद समर्थकों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। एमजीएम थाना अंतर्गत बंद समर्थकों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ कर आगजनी करने का प्रयास किया गया। समय रहते पुलिस ने आगजनी कर बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं बंद समर्थकों के द्वारा की गई है। मेडिकल बस्ती में बंद समर्थकों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। समाज के बुद्धिजीवी लोगों से वार्ता कर समझाने का प्रयास कर मामले को शांत कराया जा रहा है। दो अप्रैल को
भारत बंद का आयोजन किया गया था कुछ संगठनों के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं उसको लेकर के, और उसमें पुलिस ने बहुत मजबूत तैयारियां जमशेदपुर जिले में की हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन पूरे भारत में है, सभी राज्यों में चल रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश के हर जिले में ये प्रदर्शन चल रहा है। इसी तरह पूर्वी सिंहभूम जिले में भी बहुत जगह प्रदर्शन हुए हैं। बस हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हर जगह ये शांतिपूर्ण रहे। बड़ी संख्या में 200 से अधिक गिरफ्तारियां हम लोगों ने की हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, और यहाँ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी दी है। जगह जगह लोगों ने रोड जाम किया है, लेकिन प्रशासन ने बहुत धैर्य के साथ और कोशिश की है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिनको हटाने की जब कोशिश की गई तो कुछ पथराव इत्यादि किया गया है, लेकिन बाद में फिर जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से और एडमिनिस्ट्रेशन की आपसी बातचीत से मामले को सुलझाया गया है। बताया गया है लोगों को कि जो भी करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपनी मांगों को न्यायपूर्ण तरीके से रखें, वही उचित होगा उनके लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक दो लोगों को हल्की सी चोट, मामूली लाठीचार्ज में चोट की बात सामने आई है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है और बेहतर तरीके से बुद्धिमान तरीके से इसको किया। एसटीएससी के सुरक्षा के संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वही कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं वर्ग के लोगों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया और उनके अंदर भय बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी इस दिशा निर्देश ने एससी एसटी की सुरक्षा हेतु बनाया गया अधिनियम एक्ट को भी बना दिया, जिसको लेकर हम लोग राज्यपाल से मांग करते हैं कि अभिलंब इस पर कोई निष्पक्ष आदेश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी एसटी एक्ट के संशोधन में या उसको मिटाने की साजिश जो बीजेपी सरकार कर रही है उसके खिलाफ में पूरा भारत बंद का आज समर्थन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने आज यह कार्यक्रम को संपन्न किया है। हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इसका विरोध करते हैं। आपको मालूम है कि 1989 में राजीव गांधी ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए यह एक्ट को लाया था और बीजेपी की सरकार न्यायपालिका के साथ मिलीभगत करके इस मान सम्मान और स्वाभिमान जो दलितों का है रक्षा करने के लिए जो उसको हटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और पूरे प्रदेश में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। पूरे शहर में आग लगी हुई है, पूरा शहर बंद है, कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन कर रही है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण बंदी का समर्थन करते हैं और साथ ही साथ यह मांग करते हैं कि जो एसटी एससी एक्ट में जो संशोधन कर रहा है उसको रोका जाए और बीजेपी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, रघुवर दास जी की सरकार हो, आप देखेंगे कि झारखंड में भी सीएनटी एसपीटी एक्ट को किस तरह हटाने और मिटाने का काम बीजेपी कर रही थी, ठीक उसी तरह एसटी एसटी एक्ट में भी ये लोग एसटी एसटी एक्ट अगर मिसयूज़ हुआ है, हुआ है मिसयूज़, लेकिन मिसयूज़ हुआ तो उसको जनता ने किया, पुलिस की है, और पुलिस उस एक्ट के तहत जो निर्दोष है उसको जेल भेजती थी या दोषी को बचाती थी, तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। लेकिन जो दलितों का और पिछड़े वर्ग आदिवासियों का जो मान सम्मान स्वाभिमान का जो एक्ट जो राजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने लाया था उसको खत्म करने की साजिश बीजेपी की सरकार कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा 86 बस्तियों को लीज बंदोबस्ती मामले में रघुवर दास ने झाविमो के सुप्रीमो को आड़े हाथ लिया है और कहा कि झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री है, लेकिन लीज का पन्ना पलटना उचित नहीं समझे। इसको लेकर झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झारखंड के माननीय श्री रघुवर दास के कथनी और करनी को नजरअंदाज करते गुमराह करने वाला वक्तव्य देकर अपनी स्थिति हास्यास्पद कर लिए है। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी से केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने सीधा संवाद मुख्यमंत्री से करने की इच्छा जाहिर किया है।
इस दौरान बाबा सिंह ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी यह कहना चाहते कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी मालिकाना की फाइल तक नहीं खोले थे, या तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तीन का। हाँ, पूछना चाहते हैं कि आखिर यह बात बताने 20 वर्ष क्यों लग गए, क्यों नहीं इसके पूर्व आप चुप्पी तोड़े। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्री काल के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, और क्या आपने कभी भी मालिकाना हक किया था या लीज बंदोबस्ती की बातों को सरकार में रहकर कैबिनेट में लाने का प्रयास नहीं किया। अभय सिंह ने कहा कि अगर किए तो वह सारे दस्तावेज कहाँ गए, किस तारीख किस दिन आपको जनता के प्रति जवाब दे देने के नाते बताना होगा। जमशेदपुर में नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम में आने के बाद में उन्होंने हमारे नेता झारखंड के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी के प्रति उन्होंने जो कहा कि बाबूलाल मरांडी जी कभी भी लीज बंदोबस्ती की फाइल को नहीं खोले, यह बिल्कुल ही हास्यास्पद और गुमराह करने वाला बयान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे तब उस कैबिनेट में हमारे राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास भी थे। मैं पूछना चाहता हूँ रघुवर जी से कि अगर वे लीज बंदोबस्ती की फाइल को नहीं खोले तो क्या आपने कभी यह बैठक में या किसी विषय में कैबिनेट में विषय को लाने का प्रयास किया? अगर बाबूलाल मरांडी जी ने इनकार किया या नहीं लाए तो क्यों नहीं आप ऐसे मंत्रिमंडल से जनता के हित में और जनता के सवाल पर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तीसरा कि अगर इतने दिनों के बाद में जब झारखंड विकास मोर्चा आज आपके सत्यता को उजागर करने को लेकर पूरे जमशेदपुर के 86 बस्तियों के बीच में जब आंदोलन चलाने का निर्णय किया तो 20 वर्षों के बाद में आपको अचानक बाबूलाल मरांडी जी की याद आई, इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति कुछ नहीं हो सकता है। कल तक आप मालिकाना हक की बात करते थे, आज आप कहते कि मालिकाना हक कभी मेरा मुद्दा नहीं रहा, जबकि मालिकाना हक के नाम पर आपने रैली की, प्रदर्शन किए, चुनावी घोषणा पत्र में चुनावी एजेंडे बना करके चुनाव लड़े, मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, और आज कहते हैं तो चलो मैं मान लेता हूं। लेकिन लीज बंदोबस्ती के सवाल में मुख्यमंत्री जी अब तो कट ऑफ डेट आपको निर्धारित करना होगा। कोई भी लीज बंदोबस्ती का पूरा लेखा जोखा प्रमाण पत्र जनता को आप दें मात्र 3 महीने के अंदर, चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके लोगों के हाथ में आप प्रमाण पत्र दे दें, अन्यथा यह माना जाएगा कि आप चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य को लेकर के किए हैं। 2019 के बाद नहीं बल्कि 2019 के पहले आपके चुनाव, विधानसभा के पहले सारे काम दस्तावेज पूरे होने चाहिए। बार बार हमारे मुख्यमंत्री की बातों को गुमराह करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, झारखंड विकास मोर्चा पूरे लीज के बंदोबस्ती के पूरे फाइल को पढ़ते हुए जनता के बीच में जाकर प्रत्येक घरों में लीज बंदोबस्ती की सच और झूठ को हम लोग पर्दाफाश करेंगे और अपना कार्यक्रम चलाएंगे, और मुख्यमंत्री जी का असली मकसद और असली जीवन हम लोग जनता के बीच में चरितार्थ करेंगे। केंद्र सरकार के एनएमसी बिल का विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर जमशेदपुर के एमजे अस्पताल के डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक किया। हालांकि यह पेन डाउन स्ट्राइक 2 घंटे का ही था, मगर इस 2 घंटे में एमजे अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी छोड़ो पड़ी और अन्य सुविधाओं को ठप कर दिया गया था। इतना ही नहीं, आईएमए के अध्यक्ष ने कहा कि आज 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया गया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे और उग्र भी आंदोलन किया जाएगा। इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया है, इमरजेंसी जो मरीज हम सबों को इलाज अच्छा से करवा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे का हम लोग रूटीन कार्य बहिष्कार किए हैं कि एनएमसी में जो प्रावधान है, जो एग्जिट टेस्ट बार बार हम चिकित्सकों को ही क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस की इरेगुलरिटी है, उसको कम करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसी में लोग जो उसका फीस होना चाहिए या मैनेजमेंट कोटा से लेते भी तो हार्डली 15% लेना चाहिए। जमशेदपुर में अगले 7 दिनों तक एनडीआरएफ की टीम विभिन्न जगहों पर आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देगी। इसको लेकर जमशेदपुर सैन्य पटना से 10 सदस्य टीम पहुंच गई है और अगले 7 दिनों तक यह ट्रेनिंग देगी। यह टीम पटना की और वर्तमान में यह रांची से जमशेदपुर पहुंची है। मुख्य रूप से आपदा के समय उसे कैसे निपटाया जाए, इसको लेकर टीम ट्रेनिंग देगी। इसके लिए टाटा स्टील, यूरेनियम माइंस, रेड क्रॉस, अग्निशामक विभाग, सिविल डिफेंस,
वॉलंटियर को ट्रेनिंग इस दौरान दी जाएगी। बटालियन के इंस्पेक्टर के अनुसार इन जगहों को इसलिए चयनित किया गया है क्योंकि शहर के किसी क्षेत्र में अगर कोई आपदा आती है तो इन्हीं के द्वारा त्वरित रूप से राहत पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपदा के समय कैसे उसे निपटाया जाए इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इन्हें आपदा के समय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा, मैं इंस्पेक्टर संजीत गुप्ता, बाकी ये मेरी जो NDRF के जो सदस्यगण हैं, ये हम लोग रांची टीम से आ रखे हैं। वैसे तो भेजा गया, हमारा बटालियन हेडक्वार्टर पटना में है। यहाँ पर हमारा क्या है कि एक वीक का प्रोग्राम चलना है पूरे जमशेदपुर में। यहाँ पर प्रोग्राम में क्या है कि हमारी जो फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज और साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाएगा, जिसमें कि यहाँ के लोगों को कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि डिजास्टर के दौरान आने वाली आपदाओं से कैसे निपटना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर में किन किन जगहों पर इस तरह का होगा? जमशेदपुर में हमने कुछ सेलेक्टिव जगहों को चुना है, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट हो गया, टाटा स्टील हो गया, फिर जादूगोड़ा की जो खान है यूरेनियम की, उसमें जाएगी हमारी टीम। इसके अलावा रेड क्रॉस हो गया, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हो गए, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस 7 दिनों के दौरान। कितने सदस्य टीम आए हैं आप लोग? यहाँ पर हमारी NDRF की 10 सदस्यीय टीम 1 सप्ताह प्रोग्राम के लिए आई। गोविंदपुर में अत्यंत प्रदूषण व रास्ते की बदहाली को लेकर गोविंदपुर के स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या के निवारण हो इसकी गुहार लगाई। गोविंदपुर पिछले 2 वर्षों से जमशेदपुर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। गोविंदपुर इसके अलग बगल 4 बड़ी कंपनियां टाटा मोटर्स, टाटा पावर, लाफास व टाटा स्टील है। इस कंपनियों का प्रदूषण भारी वाहनों का भार व इनके कर्मचारियों का भार गोविंदपुर वाहन कर रहे हैं। इस कारण यहाँ के लगभग 3 लाख लोग अनेक प्रकार की बीमारियों संकट का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर लोगों को घर या घर के बाहर सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाहर और घर में सोते जागते मुंह में कपड़ा बांध कर काम करना पड़ता है। स्थिति यह है कि सड़कों में चलना भी दुर्लभ हो गया है। गोविंदपुर की सड़कों की हालत की बदतर बनी हुई है। बारिश के महीनों में गड्ढे में पानी भरने व सभी रास्ते कीचड़ से भर जाने से घरों में निकासी बंद होने की स्थिति बन जाती है। अगर जिला की उपायुक्त इस पर कोई ठोस कदम नहीं लेती तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 2 वर्षों से गोविंदपुर कई तरह की संकटों से अकेले जूझ रहा है, जिसके ऊपर प्रशासन और बड़ी बड़ी 3-4 कंपनियां वहां पे, टाटा मोटर्स, लफार्ज स्टील विल्स लिमिटेड और कंपनियां हैं, टाटा पावर, इन सब की गंदगी और धूल से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी एक दोहरी मार अब जो झेली जा रही है कि गोविंदपुर के जो रास्तों की बदहाली है कि जहाँ पे जनजीवन संकट में है, आज बारिश होने की वजह से वहाँ से घरों से निकलना मुश्किल हो गया, दुभर हो गया। इस परिस्थिति में वहाँ के व्यापारी इस संकट में है कि उनका 50% व्यापार एकदम समाप्त हो गया है। वहाँ पर आदमी मास्क पहन के घर में भी और बाहर भी रहने के लिए आज मजबूर हो गया है। क्या गोविंदपुर को जमशेदपुर शहर का हिस्सा नहीं माना जा रहा? जो प्रशासन और ये तमाम कंपनियां जिनका गंद और धूल मिट्टी हम झेलते हैं, वो एकदम उदासीन विचारधारा से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण हम अब जन आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज DC महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें 3 दिन का समय उनको दिया जा रहा है कि अगर उनके तरफ से उचित व्यवस्था इसके बारे में नहीं की गई तो गोविंदपुर में जन आंदोलन होने के लिए हम लोग फिर विवश हैं, बाध्य हैं। शहर में आज फलेरिया किरमी जैसी बीमारी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान सिविल सर्जन के द्वारा चलाया गया। यह अभियान मुख्यमंत्री रघु दास को दवाई खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जमशेदपुर जिला फलेरिया एवं किरमी जैसी बीमारी से निपटने के लिए जिला सिविल सर्जन एवं फलेरिया विभाग के डॉक्टरों द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रघु दास को फलेरिया की दवाई खिलाया गया, जिसके बाद जिले एवं शहर के सभी लोगों के बीच दवाई की वितरण किया गया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि साल में एक बार इस दवाई का वितरण किया जाता है, जिससे लोगों के बीच दवाई खिलाकर यह पता किया जाता है कि आपके अंदर यह बीमारी है या नहीं। आज ये नहीं, ये एक अभियान चल रहा है फैलेरिया से बचाव के लिए और कृमि से बचाव के लिए। साल में एक मरते हैं ये एल्बेंडाजोल की 1 गोली और DEC डाइथाइल कार्बामेजीन की 3 गोली सभी वयस्क लोगों को खिलानी है, ताकि कृमि से और फाइलेरिया से लोगों की बचाव हो सके। इसी के तहत आज सवेरे में हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं टैबलेट खाने के बाद इसका उद्घाटन किया गया। अभी हम लोग DC ऑफिस में सभी कर्मचारियों को, यहाँ जो भी आए हुए हैं लोग हैं, उनको ये गोली खिलाई जा रही है। वाणिज्यकर विभाग टीम के द्वारा सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरेडी फाटक के सामने श्रीराम ट्रेडर्स के प्लास्टिक पानी टंकी और पाइप बनाने वाली कंपनी में सर्वे किया।
सुंदरनगर के भुरेडी फाटक के सामने श्रीराम ट्रेस कंपनी ने वाणिज्य कर विभाग के द्वारा सर्वे किया। इस दौरान कंपनी के मालिक से कई कागजात के विभाग के द्वारा मांगा गया, लेकिन कंपनी के कोई कागजात नहीं होने के कारण पानी टंकी पाइप से गाड़ी में लोड थी उसे जब्त कर विभाग के द्वारा अपने साथ ले गई। वहीं विभाग ने अधिकारी ने बताया कि कंपनी के द्वारा कागजात मांगा गया तो कोई कागजात नहीं दिया गया, जिसके कारण सामान को जब्त कर लिया गया। सर क्या मामला था? सर मामला है कि हम लोग ई वे बिल चेक करने के लिए निकले हैं। अच्छा। उसी बीच में इसको पकड़े, देखे गाड़ी पेपर देखे तो इसके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं है। अच्छा। तो अभी जब बात की तो बोला कि छूट गया, हम 5 मिनट में 10 मिनट में ला के दे रहे हैं। 10 मिनट पहले भी रोके हैं, अगर डॉक्यूमेंट लाता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम लोग ऑफिस ले जाके इसको जो आगे की कार्रवाई होगी हम लोग। किस कंपनी की थी सर? एक मिनट सर, किस कंपनी के नाम से? श्रीराम ट्रेडर्स। अच्छा, कुछ कागज नहीं है? कुछ है, आधा अधूरा कागज है। आधा अधूरा कुछ है, जैसे टंकी का कागज देखिए है। अच्छा अच्छा, लेकिन पाइप का पेपर नहीं। रविवार की शाम राई जोरदार आंधी और बारिश से एक 1.5 साल की बच्ची को निकल लिया। आपको बता दें कि बिरसा नगर थाना अंतर्गत ट्विन सिटी के रहने वाले बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक दीवार गिरा, दीवार में दबकर बच्ची की मौत हो गई। हालांकि एक ही परिवार के 4 लोग घायल भी हो गए। उधर दीवार से दबकर हुई बच्ची की मौत के मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, साथ ही 10,000 रुपए तत्काल राहत राशि दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मुलाकात की, उससे बाद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया। वैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। और अब चलने से पहले डालते अब तक की सुर्खियों पर। भारत बंद का असर शहर में भी देखने को मिला। बंद के दौरान आदिवासी मूलवासी ने सड़क में उतर कर अपना नारेबाजी के साथ विरोध प्रकट किया। एसटीएससी विरोध में शहर में लोगों बंद कराने सड़क पर उतरे तो वही प्लास बनी में बंद के दौरान बंद समर्थक ने एनएच में खड़ी ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जावीमो के केंद्र महासचिव ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव की वितरानी पार लगाने चाहते रघुवर दास। और गोविंदपुर में बढ़ते प्रदूषण सड़क मरम्मति को लेकर स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में किया प्रदर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने हमारे साथ, नमस्कार।